जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करते हैं आपके लाए वीडियो कुछ हटके थोड़ा है, तो आज हम बात करते हैं स्पीड ब्रेकर, सावधानी हटी दुर्घटना हटी। ओके तो आइए तो बात करें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिल्कुल, जिससे कि लोगों को जानकारी और हो। तो हमारे पास क्वेश्चन है, स्पीड ब्रेकर क्या होता है? आपने कभी भी ध्यान दिया हो, रोड के किनारे ऐसा बोर्ड लगा होता है, वहां पे इस प्रकार का एक चित्र बना होता है, चित्र इस प्रकार का जो बना होता है हमारा, तो वहां पे बीच लिखा होता है साइड का स्पीड ब्रेकर। ओके हमारे ब्रेकर बना होता है इस प्रकार का, तो क्या है कि वहां पे आपने कभी भी ध्यान दिया हो कि ब्रेकर के आने से पहले 3-4 मीटर, 4 या 5 मीटर की दूरी पे ये ब्रेकर के आने से पहले ये बोर्ड लगा होता है, जिससे कि आप जब भी ड्राइव करते हैं, व्हाइट वाले भी ड्राइव करते हैं, तो क्या है वो दिखता है सामने, तो नजर हमारी जाती है तो दिखता है कि स्पीड ब्रेकर, तो हम क्या करते हैं ब्रेकर आने से पहले स्पीड कम कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ये दिया है, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई आगे से वाहन गुजर रहा हो उसका भी ध्यान रखें। जैसे कि फोर व्हीलर है, जब फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं, कार को जब ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते हैं, स्पीड में गाड़ी है, तो ब्रेकर जो ब्रेकर होता है, ओके ये ब्रेकर जो दिया है, अगर आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है तो क्या होता है वहां पे कि ब्रेक अचानक से आपने ब्रेक लगाई तो आप शीशा के बाहर निकल के गिर सकते हो, तो आपका एक्सीडेंट हो। इसीलिए सेफ्टी का बहुत ही ध्यान देना चाहिए ड्राइव करते समय, और बेल्ट लगाना चाहिए, और वाइप वाले को हेलमेट भी लगाना चाहिए, इसी प्रकार से ये दिया होता है। और एक्सीडेंट ना होने के कारण, जैसे कि एक्सीडेंट ना हो आपका या कोई भी दिक्कत, इसीलिए सरकार ये लागू करता है, और ये सरकार इसीलिए रोड के किनारे ये लगाते हैं, जिससे कि आपको इसको फॉलो करके ही चले, इसको फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा, सावधानी हटी नहीं तो दुर्घटना घटी। तो इसी प्रकार से हम हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आपको अगर समझ में अच्छा आया हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।